फिलहाल दोस्तों यहाँ पर आज हम बात करने वाले हैं क्रिप्टो करेंसी का जो मार्केट क्रैश है, क्रैश होने का क्या रीजन हो सकता है, इसकी क्या वजह हो सकती है। और यहाँ पर जो सबसे बड़ी अपडेट है वो ये अपडेट है कि यहाँ पर क्रिप्टो करेंसी मार्केट को क्रैश होने की जो वजह है वो हमारे क्रिप्टो के एक्सपर्ट ने यहाँ पर बताई हुई है। तो फिलहाल इसके पीछे का क्या रीजन, क्या उद्देश्य, क्या कारण हो सकता है कि क्रिप्टो मार्केट जो है वो यहाँ पर दिन प्रतिदिन आपको क्रैश होता हुआ नजर आ रहा है, आखिर में यहाँ से क्रिप्टो करेंसी मार्केट रिकवर होगा या नहीं होगा, इस सारी बातों को आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से डिस्कस करने वाले हैं। यदि आप लोग मेरे चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को लाइक कर देना, सब्सक्राइब जरूर कर देना इसी प्रकार की नई नई क्रिप्टो वीडियो देखने के लिए। तो फिलहाल दोस्तों यहाँ पर हमारे जो क्रिप्टो के एक्सपर्ट हैं उन्होंने यहाँ पर बोला है कि इसके पीछे का जो रीजन है वो स्वयं हमारे क्रिप्टो इन्वेस्टर हैं, क्योंकि वो लोग यहाँ पर गलत अफवाहों में आकर के अपनी क्रिप्टो को बगैर डिसीजन लिए लॉस में सेल कर देते हैं। इसका मेन यही कारण है, आज जो हमारा क्रिप्टो मार्केट की जो पोजीशन है इसका जिम्मेदार कोई और नहीं है, केवल और केवल हमारे क्रिप्टो इन्वेस्टर ही। इन्वेस्टर ही क्रिप्टो मार्केट को गिराते हैं और इन्वेस्टर ही क्रिप्टो मार्केट को उठाते हैं। तो फिलहाल दोस्तों ये डिसीजन आप लोगों को लेना है कि मार्केट को और गिराना है कि मार्केट को और उठाना है, ये सब डिसीजन हम क्रिप्टो इन्वेस्टर को लेना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर हम लोग गलत अफवाहों में आकर के गलत डिसीजन लेकर के हम अपनी क्रिप्टो को ये नहीं देखते हैं कि हम लॉस में हैं कि फायदे में हैं या प्रॉफिट में हैं, और यहाँ पर हम बगैर डिसीजन लिए अपनी क्रिप्टो को सेल कर देते हैं। इसी वजह से आज हमारे क्रिप्टो मार्केट की ये हालत है, ये पोजीशन है। आप चाहें तो क्रिप्टो मार्केट को उठा सकते हैं और आप चाहें तो अपनी क्रिप्टो मार्केट को ख़त्म कर सकते हैं, डिसीजन आपका है, डिसीजन आपको लेना है, पैसा आपका लगाए ना कि किसी गवर्नमेंट का पैसा लगाए। दोस्तों यहाँ पर जितनी भी बात की जाती है बगैर नॉलेज की बात हो रही है दोस्तों यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर ना देखा जाए तो फिलहाल यहाँ पर अभी एक तरफा अभी स्टेटमेंट आया था फाइनेंस मिनिस्टर का कि उन्होंने बोला कि ब्लॉकचेन एक खतरा है, और यहाँ पर दूसरी तरफ स्टेटमेंट आता है हमारे इंडिया के जो प्राइम मिनिस्टर हैं नरेंद्र मोदी जी का कि ब्लॉकचेन एक सबसे अच्छी टेक्नोलॉजी है। तो फिलहाल इन दोनों में कंपेयर करने की बात है कि सही कौन है वो गलत कौन है दोस्तों। तो इसलिए मैं आपसे बार बार बोलता हूं और बोलता रहूंगा कि मार्केट को उठाना है तो आपको ही उठाना है, मार्केट को और ख़राब करना है तो वो आपको ही करना है दोस्तों। फिलहाल डिसीजन आप लोगों को लेना है, यहाँ पर आप लोग क्रिप्टो मार्केट में आए थे क्या सोचकर आए थे और क्या सोचकर आप लोग यहाँ से जा रहे हैं। आप लोगों ने सोचा था कि हम क्रिप्टो से अमीर बनेंगे, यहाँ आप क्रिप्टो से गरीब बनने आए हैं, क्योंकि आज इस मार्केट की जो सिचुएशन है, जो पोजिशन है, वो केवल और केवल हमारे क्रिप्टो इन्वेस्टर की वजह से ही ये मार्केट गिरा हुआ है दोस्तों। यहाँ पर यदि हम लोग कमाने के लिए ना कि पैसे को डुबाने, और डुबाने का कारण ही हम लोग हैं, और पैसे कमाएंगे तो उसके भी कारण हम हैं। यहाँ पर इसमें गवर्नमेंट को हम दोष नहीं दे सकते, चाहे वो भले ही 28% GST लगा दे, चाहे वो 30% टैक्स लगा दे, चाहे वो 1% TDS लगा दे। दोस्तों यदि आपको पैसा कमाना है तो आपको ऐसी अफवाहों पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देना है, ना ही आपको ऐसा यहाँ पर इन बातों को ध्यान रखना है कि हमारे इंडियन क्रिप्टो एक्सचेंज बैन हो रहे हैं या इंडियन क्रिप्टो एक्सचेंज यहाँ से भाग रहे हैं। भाई भागने से भी उनका यहाँ पर किसी प्रकार का फायदा नहीं होगा, ना ही वो यहाँ पर अपनी क्रिप्टो एक्सचेंज को बंद करने से उनको फायदा होने वाला है। वो जो भी करेंगे हमारे क्रिप्टो इन्वेस्टर के हितों के लिए ही करेंगे, प्लस वो अपने फायदेमंद के लिए ही डिसीजन लेंगे दोस्तों। तो फिलहाल आपको किसी भी यूट्यूबर के बहकावे में नहीं आना है, ना ही किसी भी आपको गलत अफवाह में आकर के अपने पैसे को यहाँ पर लॉस करना है दोस्तों, ना ही अपने एसेट को यहाँ पर मिटाना है। तो फिलहाल दोस्तों ये अपडेट थी आज की कि यहाँ पर हमारे जो क्रिप्टो के एक्सपर्ट हैं उन्होंने सीधा सीधा बोला है कि इस मार्केट को गिराने का जिम्मेवार केवल और केवल हमारा क्रिप्टो इन्वेस्टर है दोस्तों। यहाँ पर बगैर सोच समझ के हम लोग यहाँ पर आ जाते हैं और बगैर नॉलेज हम लोग यहाँ पर ट्रेडिंग करना शुरू कर देते हैं और सोचते हैं कि हम यहाँ से रातों रात अमीर बन जाएं। तो फिलहाल ऐसा नामुमकिन है दोस्तों, ऐसा हो सकता था लेकिन आप लोगों ने बहुत जल्दबाजी कर दी, क्योंकि गलत डिसीजन से ही हम लोग यहाँ पर आज इस पोजीशन में हैं। इसलिए मैं बार बार कहता हूँ कि जो भी डिसीजन लें सोच समझ के लें
और बड़े फैसले लेने के लिए बहुत समय की ज़रूरत होती है, बहुत हम लोगों को सोच विचार के ही काम करना चाहिए। यहाँ पर मामूली सा जिन लोगों का पैसा लगा है वो लोग, उनको किसी प्रकार से कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जिन लोगों ने यहाँ पर बहुत ज़्यादा पैसा निवेश कर दिया है उनका सोचिएगा कि क्या होगा। यदि किसी ने 5 लाख रुपया भी लगाया होगा तो आज उनकी पोजीशन ये होगी कि 5 का यहाँ पर 50 और 1 लाख उनका यहाँ पर पोर्टफोलियो बचा होगा। तो फिलहाल दोस्तों आप लोगों को घबराने की ज़रूरत नहीं है, ना ही आपको यहाँ पर पैनिक होने की ज़रूरत है, ना ही क्रिप्टो कभी बैन हुआ था ना ही होगा। यहाँ पर जो भी होगा रेगुलेशंस पे ही काम होगा, चाहे हमको 30% टैक्स देना होगा तो देंगे और हमको 28% GST भी देना पड़ेगा तो देंगे। फिलहाल हम लोग यहाँ से डरेंगे नहीं ना ही भागेंगे, यहाँ पर हम जो भी काम करेंगे डट के मुकाबला करने की ज़रूरत है दोस्तों। फिलहाल आप लोग देखना, यदि आप लोग संकल्प ले लेते हैं कि हम लोग क्रिप्टो को सेल नहीं करेंगे तो यहाँ से मार्केट को रिकवर होने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। ये आप लोग बार बार कमेंट करते हैं कि सर कब तक हमारा क्रिप्टो मार्केट है वो रिकवर होगा, तो इसके जिम्मेदार ही हम लोग हैं। हम लोग चाहें तो मार्केट को कल से ही और आज से ही रिकवर कर सकते हैं, ये आप लोगों को तय करना है कि रिकवर करना है कि मार्केट को ख़त्म करना है। तो दोस्तों इसी के साथ हम विदा लेते हैं और फिर बहुत जल्द मिलेंगे अगली वीडियो पर इसी प्रकार की चटपटी खबरों के साथ। तो दोस्तों जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।